हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड है कि सर कुछ टीवी यूनिट टाइप में, कुछ एलमीरा टाइप में बनाओ, उसको प्रोडक्ट वगैरह कैसे बनाते हैं वो बनाओ, ऑटो कैड में कैसे बनता है, स्केचअप में कैसे बनता है वो बना के दिखाओ, और अच्छे से मटेरियल हम किस तरीके से, जैसे रेशे जुड़े हुए मटीरियल होते हैं वो हम कैसे लगा सकते हैं वो बना के दिखाओ। तो उसके लिए हम स्टार्ट करें बिल्कुल एक सिंपल ड्रॉइंग से पहले। जैसे ये एक ड्रॉइंग है, इसको हम पहले बनाएंगे ऑटो कैड पे, फिर बनाएंगे स्केचअप के ऊपर, सारे मटेरियल्स वगैरह लगा के हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑटो कैड में बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, हम इसे बनाने वाले हैं फिट और इंचेस में। तो ऑटो कैड की यूनिट सेट कर लेते हैं, यूएन एंटर, इसको कर लेते हैं आर्किटेक्चुरल, यहां से कर लेते हैं इंचेस, ओके, एंड डी एंटर करके आईएसओ जो चल रही है हमारी उसे ही हम यहां पे कर लेते हैं आर्किटेक्चुरल, ओके, सेट करंट क्लोज, सिंपल। अब मैं यहां पे 6 बाई 5 फिट का एक यहां पे बॉक्स बनाता हूं, 6 फिट एंड बाय 6 फिट, और इसको क्लोज कर देते हैं। अगर मैं यहां पे डायमेंशन देखता हूं तो आप देखोगे 6 फिट है और ये आपका 5 फिट है, क्लियर है। उसके बाद एक ऑफसेट लेता हूँ 1 फिट का, नीचे से जो मैं ये बनाने वाला हूँ ये मैं लेके चल रहा हूँ 1 फिट का। एक लाइन ऑफसेट लेता हूँ 2 फिट का, यहां से इतने पोर्शन पे मैं ये स्ट्रिप वाला डिजाइन बनाने वाला हूँ, और उसका भी ऑफसेट लेते हैं 2 फिट का एक और, ताकि नीचे के कैबिनेट्स भी मेरे यहाँ पे 3 में डिवाइड हो जाए। TR एंटर, इसे ट्रिम कर देते हैं। उसके बाद इसको ट्रिम कर देता हूं यहां से, और एक लाइन एक्स्ट्रा लगा देता हूं ताकि ये लाइन मेरे को अलग से मिल जाए। ऑफसेट लेता हूं 1 इंच का, ये मैं लूंगा आपके जो लूवर्स है उसका थिकनेस, और ऑफसेट लेता हूं 0.3 इंचेस का, ताकि ये इसका गैप आ जाए। ये मैं 0.3 इंचेस का यहां पे गैप ले रहा हूं। अब मैं इसका ना कॉपी करता हूं, CO एंटर फॉर कॉपी, इन तीनों को सिलेक्ट करता हूं एंटर। अब मल्टीपल कॉपी चाहिए तो मैं नीचे एक ऑप्शन आएगा कॉपी के अंदर ही, एरे में यूज करूंगा यहां से। अब नंबर ऑफ एरे मान लो मैंने 16 यहां पे डाले, एंटर। अब यहां पे क्लिक कर दोगे तो उतने ही एरे में आपका हो जाएगा। अब 16 में देखो यहां तक कंप्लीट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप एक दो और यहां पे कॉपी कर सकते हो इस तरीके से। ये मैंने यहां से लिया और ऑफसेट 0.3 का मान लो इसका ले लेता हूं, तो यहां तक मेरे ग्रूव्स आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। अब क्या है, इसको मैंने यहां से ट्रिम किया इस वाले पार्ट को। अब इसका मुझे गैप चाहिए जो नीचे के ये वाले गैप है, ऑफसेट लो 0.3 का, ये बेसिकली ग्रूव्स जो गैप होते हैं 0.3 का मान लो मैंने एक ऑफसेट लिया, तो ये मैं गैप लेके चल रहा हूं इनके बीच का, और ये मेरे कैबिनेट हो गए यहाँ पे 3। एक कैबिनेट जो यहाँ पे है वो ऐसे हाफ में है, तो एक लाइन ऐसे लगाओ, ऑफसेट लो 1 इंच का इसका और 1 इंच का इसका, यहाँ पे TR एंटर, ये ट्रिम करो, ये ट्रिम इस तरीके से, यहां से ये ट्रिम कर दो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका बन जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे आपको स्लैब लगाना है तो ऑफसेट लेंगे, मान लो हम यहां से एक ऑफसेट 6 इंचेस का ऑफसेट ले लेता हूँ, यहाँ पे ऑफसेट 1 इंच का मैं गैप ले लेता हूँ, और उसके बाद ऑफसेट लेता हूँ 3 फिट 6 इंचेस का इधर से, TR एंटर, ये मैं यहां से ट्रिम कर देता हूं और इन दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं। यहां पे स्लैब बनी कुछ इस तरीके से, क्लियर है। और उसके बाद जो ये टीवी बनानी है, REC एंटर फॉर रेक्टेंगल, यहां से मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूं कि इतनी बड़ी मेरे को यहां पे टीवी चाहिए। ऑफसेट लेता हूं इसका हल्के से गैप के बाद, और इस ज्यादा गैप हो गया, थोड़ा सा कम गैप, ऑफसेट थोड़ा सा कम गैप, ये लो इतने का ऑफसेट लिया। अब H एंटर फॉर हैच, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूं यहां से, पीछे वाले में हैच फिल कर देता हूं ब्लैक कलर का, पैटर्न नहीं सॉलिड फिल, और आगे वाले में दोबारा से H एंटर, पिक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट पिक किया, इसमें फिल कर देता हूं थोड़ा सा ग्रे कलर, ताकि टीवी का कॉन्ट्रास्ट बना रहे और इस तरीके से आपको यहाँ पे टीवी दिखे। कोई बुक वगैरह आपको रखनी है तो ब्लॉक आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी ब्लॉक यहां से कॉपी करो, अपने ड्रॉइंग पे जाओ, कंट्रोल V से पेस्ट करो, जहां पे भी रखना है आप उन ब्लॉक को रख सकते हो। फिर SC एंटर फॉर स्केल, इतना बड़ा आया क्लिक करें एंटर, बेस पॉइंट देके आप यहां से कि ये बेस पॉइंट है, आप इस ब्लॉक को अपने तरीके से बड़ा कर सकते हो कि मेरे को एक तो यहां पे ये चाहिए,
और उसके बाद अपनी ड्राइंग पे जाके मान लो मेरे को एक और चाहिए, मान लो ऐसा, कंट्रोल सी से कॉपी करो, कंट्रोल वी से पेस्ट करो, फिर यहाँ पे प्लेस करो, एस सी एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, यहाँ से आप पिक पॉइंट लेके आप इसे कितना बड़ा रखना चाहते हैं उतना बड़ा रखें और आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं। उसके बाद एच एंटर फॉर हैच, पिक पॉइंट पे क्लिक करो, इनके अंदर मैं हैच फिल कर देता हूँ ब्राउन कलर के, ताकि वो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे बना रहे। ओके, तो आपका यहाँ पे ये हैचिंग होगी। इस वाली हैचिंग को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ यहाँ से ब्राउन, और यही हैचिंग मैं यहाँ पे भी फिल कर देता हूँ ताकि इस पे भी आपका फिल हो जाए कुछ इस तरीके से। क्लियर है? फिर आप यहाँ पे डायमेंशनिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कैसे आप ऑटो कैड में इन सब चीजों को क्रिएट कर सकते हो। ये सिंपल है, यहाँ पे और भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे रख सकते हो। अब मेन बात करते हैं कि आप स्केचअप पे कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्केचअप को ओपन करता हूँ कुछ इस तरीके से। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया भी हुआ है, कोई बात नहीं, हम न्यू ओपन करते हैं यहाँ पे। अब इसको बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक लाइन लेता हूँ यहाँ पे 6 फिट, देन 5 फिट। मैं ऑटो कैड की ड्राइंग को इंपोर्ट करके नहीं बना रहा यहाँ पे, मैं डायरेक्टली इसमें बना रहा हूँ ताकि आपको इसमें भी बनाना आना चाहिए। 1 इंच का थिकनेस लिया मैंने बोर्ड के लिए। अब इसकी लाइन को मैं 1 फिट ऊपर ऑफसेट ले लेता हूँ, ऊपर 1 फिट, और इसको पुश कर देते हैं आगे 14 इंचेस। मान लो मेरे को 14 इंचेस का चाहिए, ट्रिपल क्लिक करो, राइट क्लिक, और आप इसे ग्रुप क्रिएट कर दो। फिर एक रेक्टेंगल आप यहां से लो, एक रेक्टेंगल यहां पे क्रिएट करो, इसको आगे पुश करो 1 इंच। उसके बाद 3 पार्ट यहां पे बनाने के लिए या तो 2 2 फिट का ऑफसेट ले दो, या फिर इसको राइट क्लिक करके डिवाइड कर दो किसी भी एज को 3 पार्ट्स में, और फिर इस एज को सिलेक्ट करके यहां पे दोनों एंड पॉइंट से एक एक लाइन क्रिएट कर दो कुछ इस तरीके से। इन दोनों लाइन को यहां से सिलेक्ट करो, मूव करो कंट्रोल प्रेस करके उधर 0.3 जो हमने यहाँ गैप लिया है, और उसके बाद इसे पुश कर दो पीछे की तरफ कुछ इस तरीके से ताकि ये ग्रूव्स आ जाए, और सेम इसमें एक लाइन लगाओ और फिर इसे पुश करो पीछे की तरफ, और उसके बाद इस पे डबल क्लिक करो बैक वाले पार्ट पे, और आप इस तरीके से लाइन क्रिएट करो यहाँ पे, और उसके बाद इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करके एक ऑफसेट लो 1 इंच का, और इस वाले पार्ट को पीछे पुश कर दो 13 इंचेस, ताकि इस तरीके से यहाँ पे आ जाए। तो आपका ये पार्ट यहाँ पे बन जाएगा। ऊपर वाला पार्ट बनाने के लिए इसको डबल क्लिक करो, और मान लो मैंने एक लाइन ली यहाँ से ऐसे, और इसको पुश कर दिया पीछे की तरफ 2 फिट। इस लाइन को यहाँ से इरेज किया, ओके, कमांड से बाहर, रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाओ कुछ ऐसे, इसको पुश करो 1 इंच, ट्रिपल क्लिक करके इसको ग्रुप बनाओ। मैंने कंपोनेंट नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया रीजन बताऊंगा अभी। इसको 0.3 जो हमने गैप वहां पे लिया था मान लो, वही गैप मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, या फिर 0.5 का गैप ले रहा हूँ, ये 0.5। मूव कंट्रोल प्रेस करके यहां से मैंने यहाँ पे मूव किया, और 15x एंटर, 15 कॉपी कर दिया, और यहां तक मेरी कॉपी आ गई इस तरीके से। मान लो मैंने एक यहाँ पे डिजाइन बनाया, और उसके बाद एक टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से मैं यहाँ पे गया और 3 फिट 6 इंचेस मैंने डिस्टेंस लिया ऊपर से 6 इंचेस का, फिर यहाँ से मान लो मैंने लिया 1 इंच, फिर एक रेक्टेंगल क्रिएट किया यहाँ पे, और इसको पुश कर दिया आगे 6 इंचेस, ट्रिपल क्लिक करके इसको मैंने ग्रुप कर दिया, और गाइड्स को मैंने डिलीट कर दिया। इस तरीके से हमारा ये बनके यहाँ पे रेडी हो गया। अब आप जा सकते हैं अपने टूल्स पे, 3D वेयरहाउस पे जाएं, पहले मटेरियल डालते हैं, प्रोडक्ट बाद में रखेंगे। मटेरियल डालने के लिए आपको क्या करना है, 3D वेयरहाउस पे जाओ, और ये वाला मटेरियल मैं डाउनलोड करता हूँ, यहाँ पे लिखो वुड और मटेरियल पे चले जाओ। कोई भी मटेरियल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो लगाने के लिए। मैं एक ऐसा मटेरियल लेता हूँ जिसके रेशे हों अच्छे से, और उसके रेशे को जब आप जोड़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं डाउनलोड। अब ये नीचे वाला पार्ट है, इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ, इस पे मैं एक ही बारी में लगा दूंगा, तो आप देखोगे इस तरीके से बड़े अच्छे से आ जाएगा। अब यहाँ पे मेन पंगा क्या है कि अगर मैं एक एक करके इन पे लगाता हूँ तो आप देखेंगे जो आपका पैटर्न बन रहा है वो इस तरीके से पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं चाहिए मेरे को, ऐसा पूरा पैटर्न कंटिन्यूटी में चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस पे डबल क्लिक करो, और पहले ये मटेरियल इस पे लगाओ, राइट क्लिक करो, टेक्सचर पे जाओ, पोजीशन पे क्लिक करो, और अपने टेक्सचर को अपनी मर्जी से यहाँ पे एडजस्ट कर लो कि मेरे को यहाँ पे कितना बड़ा टेक्सचर चाहिए। अब यही टेक्सचर कंटिन्यूटी में मेरे को इसके ऊपर भी ऐसे चाहिए,
तो अब आपको करना है क्या है, इस टेक्सचर को यहां से पिक करो, उसके बाद ये सारे ग्रुप हैं इन सब को सिलेक्ट करो ऐसे, और एक ग्रुप में और डाल दो, और इस ग्रुप पर डबल क्लिक करो, और ये दोबारा से एक ग्रुप है तो इनको एक्सप्लोर कर दो। अब क्या होगा, एक सिंगल ग्रुप हो जाएगा। ये मैंने क्यों किया, अब डबल क्लिक करो, यहाँ पे जाओ पेंट बकेट पे, और एक-एक पे अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे ना, तो वही पैटर्न जो वहां पे था वही आपका कंटिन्यू हो जाएगा इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं, देखो सेम पैटर्न आपका वहां पे कंटिन्यू हो गया है। इस तरीके से आपको पैटर्न पे काम करना है बस। फिर उसके बाद तो आप यहाँ से 3D वेयर हाउस पे जाएं, आपको जो भी आइटम यहाँ पे लगानी है, जैसे टीवी लगानी है, आप यहाँ से टीवी लें, किसी भी टाइप का टीवी यहाँ से डाउनलोड करें, यस पे क्लिक करें, यहाँ पे रखें, फिर आप इसे रोटेट करें 90 डिग्री, फिर इसे मूव करें यहाँ से पिक करके यहाँ पे रखें, फिर इसे स्केल करें यहाँ से पिक करके कुछ ऐसे। उसके बाद आपको बुक चाहिए तो 3D वेयर हाउस में जाएं, आप यहाँ से बुक ले सकते हैं, कोई भी बुक, मान लो मैंने ये ली, डाउनलोड करो, यस पे क्लिक करो, फिर आप इसे यहाँ पे प्लेस करो कुछ इस तरीके से, रोटेट करने की नीड हो तो आप रोटेट करो ऐसे 90 डिग्री, फिर इसे मूव करो इस तरीके से। फिर और कुछ चाहिए, 3D वेयर हाउस पे जाए, और कोई आपको बुक वगैरह कुछ ऐसा चाहिए, आप इसे डाउनलोड करो, फिर आप यहाँ पे प्लेस करें, प्लेस करने के बाद इसे रोटेट करें यहाँ से 90 डिग्री, फिर आप इसे मूव करें कुछ ऐसे। ऊपर आपको कोई आइटम रखना है तो 3D वेयर हाउस पे जाओ, आपको जैसे फ्रेम चाहिए तो आप यहाँ पे टाइप करें फ्रेम, तो आपको यहाँ पे जो भी फ्रेम मिले, मान लो मैं कोई भी एक फ्रेम लेता हूँ यहाँ पे, यस पे क्लिक करें, इतना बड़ा फ्रेम आता है, पहले आप इसे सेलेक्ट करें, फिर आप इसे रोटेट करें 90 डिग्री, मूव करें आप इसे, मान लो यहाँ से पिक करके यहाँ पे मूव किया आपने, मूव करने के बाद आप इसे स्केल कर दें जितना आपको यहाँ पे स्केल चाहिए इस तरीके से। स्केल करने के बाद थोड़ा सा आगे मूव करके रोटेट कर दें आप यहाँ से ऐसे इस तरीके से, इसकी फिर एक कॉपी कर लें ऐसे, इस कॉपी को हल्का सा आगे कर लें, फिर थोड़ा सा आप इसे स्केल कर लें, स्केल करने के बाद आप इसे मूव कर दें ऐसे, जैसे आप वहाँ पे देख रहे हैं वैसे आप इन चीज़ों को यहाँ पे लगा सकते हो। कोई आपको प्लांट चाहिए या 3D वेयर हाउस से कोई भी डेकोर का आइटम चाहिए तो यहाँ से डेकोर लें, मान लो मेरे को ये चाहिए यहाँ पे ऊपर रखने के लिए, आप ये ले लें यहाँ से ऐसे रखें, फिर इसे रोटेट करें 90 डिग्री, फिर इसे मूव करें कुछ ऐसे आपको रखें। तो ऐसे करके आप मल्टीपल आइटम्स यहाँ पे रख सकते हो, और इस तरीके से आप फिर वीरे का मटेरियल लगाएं, वीरे का रेंडर करें, वो फर्दर है। तो ऐसे आप मॉडलिंग कर सकते हो, अगर ये ऐसे ऊपर आए तो आप इसे मूव करके नीचे प्लेस करें। कुछ इस तरीके से। तो ये था आज की वीडियो में। अगर आपको नेक्स्ट आपको कुछ भी बनवाना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं वही चीज़ आपके लिए बना के यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए रेडी हूँ। आपको जो भी पूछना है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।